अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के ग्राम सभा सिंघा में, और यहाँ पर एक अद्भुत ताजिया बन रहा है, जो कि ताजिया लगभग 120 फुट प्लस है। ऐसा कहा जाए कि गुम्बद वगैरह लेकर के पूरा लगभग 150 फुट का ताजिया बन रहा है, और इस ताजिया का लागत हमने पूछा, लोगों से बात किया तो लगभग बता रहे थे 15 से 20 लाख रुपया इसमें खर्च हो चुका है अभी तक, और खर्च होता ही जा रहा है। आगे जो है पैसे का अभी कार्य जारी है, और लग रहा है कि यहाँ पर हाइड्रा वगैरह आ रहा है और इसको उठाने के लिए इस ताजिया को जोड़ा जाएगा। और इसको दिखा दीजिए, ये सबसे टॉप पोर्शन है, जो कि गुम्बद बोला जाता है, सबसे ऊपर का टॉप पोर्शन है। और इसको दिखा दीजिए कितना सुंदर दिख रहा है, थोड़ा सा दिखाइए इधर गुम्बद, लगातार लगभग 8 से 10 गुम्बद आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 गिनती करेंगे तो थक जाएंगे। और ये ऊपर का ही है, टॉप का ही है, सब अभी जोड़ाई कार्य जारी है। और इसमें जो मिस्त्री हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए कि लोग काम कर रहे हैं, लगातार इसको बनाने में लगे हुए हैं, लगातार इसको सही सलामत करने में लगे हुए हैं। कुछ कुछ जैसे जो हुआ था कि कहीं कहीं चूहा वगैरह काट दिया था, उसको सही कर रहे हैं लोग। क्या नाम होगा? नबी रसूल। कितना दिनों से ये बन रहा था जिया? ये ताजिया हो गया 7 महीने। मिस्त्री आप ही हैं? हाँ मैं हूँ। तो 7 महीना हो गया, और ये अभी तक बन के कितना % तैयार हो गया? अभी तक पूरा तैयार हो गया, खाली जोड़ना बाकी, खाली जोड़ना बाकी, कार्य भी जारी है, जोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, जोड़ने जा रहे हैं। कितना लगभग लागत लग गया होगा इसमें? लागत इसमें 15 लाख लग गया है, 2 लाख का भी कल बाजार हुआ है। अच्छा, मतलब ये 18 से 20 लाख रुपए का लगभग लागत लग रहा है? हाँ, 20 लाख रुपया इसमें लागत लग गया। हाँ, और ये कितना फुट ऊंचाई बन रहा है ताजिया? 120 फीट ऊंचाई। 120 फीट ऊंचाई है। जरा सोचिए कि 120 फुट जो है ताजिया का केवल ऊंचाई है, और उसके बाद गुम्बद है लगभग 150 फीट का, जो है कि पूरी तरीके से इसको देखिए उठा रहे हैं लोग। इसको भी कार्य जारी है अभी, इस पर जो है ऊपर घूमता है जो चरखी, वो चरखी डाल रहे हैं लोग, और चरखी घूमेगा ऊपर, पूरा घूमता हुआ नजर आएगा। और इसमें क्या क्या मुख्य जो चीज़ें हैं वो भी हम जानेंगे। कहाँ गए मिस्त्री? इसमें क्या क्या बन रहा है, मतलब जो है लोग देखने आएंगे तो क्या क्या देखने आएंगे? अंदर मजार है, खूबसूरत मजार बनेगा इसमें। हाँ, इसके बाद जोड़ने के बाद चारों तरफ मजार है इसका, 6 मीनारा है इसका। अच्छा। हाँ, और बता रहे थे लोग मक्का मदीना का कुछ? हाँ, मक्का मदीना पूरा है इसमें, मक्का मदीना भी है और भी मजार है इसमें। हाँ, मतलब ये अद्भुत बन रहा है जिले का, और अब तक इस ऐसा जिले में नहीं बना था। नहीं नहीं, इसको बनवा कौन रहे हैं? कोई हिंदू भाई हैं? नहीं, हाँ जित्तू बाबू बना, जित्तू साई बनवा रहे हैं इसको। जरा सोचिए कि एक हिंदू मुसलमान में जहां आज लड़ाई करवाया जाता है, और नेता जो जब बैठते हैं टीवी पर तो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, और यहां पर एक हिंदू भाई जो है इस ताजिया को बनवा रहे हैं। 18 से 20 लाख रुपए अभी तक खर्च हो गए हैं, और पैसा लगता ही जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि मक्का मदीना और जो है बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर जो है कि इसमें 4 मीनार वगैरह जो बता रहे हैं कि लग रहा है, और इसमें गुम्बद भी बड़ा बड़ा बन रहा है। ये सारा गुम्बद ही है जो दिख रहा है आपको सामने, ये लगभग गुम्बद ही है। अंदर भी दिखाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा कोई जानकार हो तो आ जाइए, एक आदमी जो इसके बारे में जानते हो, कौन जानता है, एक आदमी आ जाइए कोई भी, थोड़ा सा आइए अंदर, और अंदर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर से थोड़ा सा दिखाते जाइए एक लाइन से, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, और ये ताजिया जो है अपने आप में अद्भुत दृश्य है। अभी हम लोग स्पर्श कर रहे हैं, और 29 तारीख को मेला भी लगने वाला है, और 29 तारीख को जब मेला लगेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, और इसको देख करके अपने आप को यहाँ पर देखेंगे तो आश्चर्यचकित करेंगे होंगे, क्योंकि ये जो ताजिया जो बन रहा है, ये ताजिया अपने आप में बहुत ही अद्भुत ताजिया बन रहा है। और ये हमको लग रहा है जिले ही नहीं, हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताजिया बन रहा है। इसी में जो है कि मक्का मदीना बनेगा? नहीं नहीं, इसमें मजार बनेगा ऊपर मक्का मदीना। अच्छा, इसके ऊपर भी लोग जाके देख सकेंगे? नहीं नहीं, ऊपर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, अंदर ग्राउंड में देखेंगे। अच्छा, अंदर से बाहर से दिखाई देगा? हाँ, हाँ, बाहर से पूरा टोटल दिखाई देगा। अच्छा, मक्का इसके अंदर जो वो बनेगा मजार? हाँ, जो बनेगा वो दिखाई देगा। हाँ, मजार आदमी आएंगे, पब्लिक इधर से आएंगे, अपना देखेंगे, इधर से निकल जाएंगे। अच्छा, रास्ता भी बनाया जाएगा इसके लिए, जो घेरा गया है रास्ते के लिए है। हाँ, इसको रास्ता बनाया। इसके ऊपर जो है वो मक्का मदीना रहेगा, यही ना? हाँ, इसके ऊपर
ताजमहल वगैरह भी है क्या? नहीं तो इसके बाद मक्का मदीना है, करबला का सीन है। अच्छा। और सो मजार का सीन है इसमें। इसमें हाँ, तो जरा सोचिए कि इतना खूबसूरत जो है यहाँ पर ताजिया बन रहा है, और ये ताजिया प्रदेश का हमको लग रहा है टॉप 10 में नंबर 1 होने वाला है, क्योंकि ये हिंदू भाई बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया भाई कि यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, और यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता का मिसाल पेश करते हुए एक हिंदू भाई नज़र आ रहे हैं। मैं प्रयास करूँगा कि अगर जो उनसे बात हो जाए हमारी, तो उनसे बात भी करूँगा। और थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको कि जो लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा। कितना दिन ताजिया बन रहा है? अरे बहुत दिन हो, 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीना हो गया। कौन बनवा रहा है इसको? ये जीतू शाही जी ने। जीतू शाही जी हैं, मतलब यहाँ ग्राम सभा के सब लोग मिलके बनवा रहे हैं, लेकिन इसमें अख्तार मतलब मेन मुखिया वही। हाँ, जीतू शाही हैं, जीतू शाही मेन मुखिया, मतलब जो घटता बढ़ता है। हाँ, सब लोग हाँ अपने प्यासे लगाते हैं, बाकी सब लोग सहयोग करते हैं। अच्छा, सब लोग अपना मतलब मेहनत। हाँ, मेहनत लग रहा है। हाँ, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलकर बनवा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू मुसलमान को बांटते हैं? ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग मिल के आपस में भाई भाई मिलकर रहे और बनवा कर मंदिर हो। नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू मुसलमान? नेता लोग तो लड़ाते रहते हैं भैया, नेता लोग बस हिंदू मुस्लिम कहकर लड़ाते हैं, मगर हर एक हमारे गांव सिंघा ग्राम सभा में जो काम हो रहा है एक नंबर का हो रहा है, और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। चाचा, सिंघा में कभी ऐसा ताजिया बना था? नहीं, पहली बार बन रहा है ना? पहली बार। इतना बड़ा ताजिया नहीं बना था, इसके पहले बना था लेकिन ऐसा नहीं बना था। ये पहली बार मतलब बड़ा बन रहा है। कितना उम्र हो रहा है आपका? हमारा उम्र कौन ज्यादा थोड़ा होगा, यही होगा लगभग 70-80 के करीब में। 70-80 करीब में इतना बड़ा ताजिया नहीं देखे थे? नहीं, हमारे यहाँ नहीं था। हाँ। इधर कहीं नहीं था। हाँ। इस जिले में भी कहीं नहीं बना नहीं था। तो इस जिले का सबसे बड़ा ताजिया जो है कि एक हिंदू और मुसलमान भाई मिल करके इस ताजिया को बनवा रहे हैं, क्या कहेंगे जो हिंदू मुसलमान भाई के यहाँ एकता देखने को मिल रहा है? वो सबसे बहुत अच्छी मिसाल है। बहुत अच्छी मिसाल है ना, एकता बना के रहना चाहिए, बना के रहना। तो जो लोग हिंदू मुसलमान भाई आपस में लड़ते हैं वो जरा ध्यान दीजिए और ये ताजिया देख लीजिए। अभी मैं बाहर से भी जो जोड़ा जाएगा, अभी जुड़ा नहीं है पूरी तरीके से, 2-3 दिन लगेगा इसको जोड़ने में। और 29 तारीख को मेला है, सिंघा हो सके तो आप आएँ और यहाँ हिंदू मुसलमान की एकता का जो प्रतीक है ताजिया, इसको देखें और इसको स्पर्श करके जाएँ। बाकी आप यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस ताजिया के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।